नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त की काफी ज्यादा अच्छी और एक क्रिएटिविटी दिखाने वाली और ऐसे कहें कि सबसे बड़ी महाशक्ति को यहां पे कमिटमेंट करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। और नेपाल की एक खबर जुड़ी हुई है यहां पे, जो नेशनल इनोवेशन सेंटर महावीर पुन द्वारा चलाया जा रहा है नेपाल के अंदर, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है अमेरिका से। और उन्होंने ये कहा है कि हम अब भी अमेरिका से आगे हैं। चलो दोस्तों, ऐसा स्टेटमेंट किस आधार पर उन्होंने दिया है, क्या सोच समझ कर दिया है, या फिर ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हैं कि बातों बातों में निकल गया। कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा रोचक हो जाती है जब हम बात करें महावीर पुन के इस स्टेटमेंट की और उनके पीछे के तर्क की, तो वो उससे भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो क्या है यहाँ पे ये पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है तब की जब नासा का यहाँ पे परसिवरेंस जो रोबोट था वो यहाँ पे मंगल की सतह पर उतरा था। उस समय यहाँ पे महावीर पुन ने एक कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका से अब भी आगे हैं। इसके तुरंत बाद काठमांडू स्थित यहाँ पे नेशनल इनोवेशन सेंटर के अध्यक्ष महावीर पुन ने कहा कि हम खुद यहाँ पे जो मीणा नाम का एक रोबोट है वो तैयार कर रहे हैं और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र यहाँ पे रोबोट का प्रोटोटाइप तैयार कर चुका है, ऐसे कहें कि उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह का होना चाहिए ये सारी चीजें वो तैयार कर चुके हैं। नासा के मंगल यहाँ पे मिशन की सफलता के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और इसके जरिए यहाँ पे जो पुन है उन्होंने ये खबर दी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्वीट में बताया है उन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा निर्मित जो यहाँ पे दृढ़ता रोबोट है मंगल ग्रह पर उतरा है, उससे हमारा जो रोबोट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और नेशनल इनोवेशन सेंटर इसके लिए 10 इंजीनियरों द्वारा ये मीणा नाम का रोबोट उतार रही है और उसकी सब जो तस्वीरें हैं वो सामने भी आ चुकी हैं। हम एक यहाँ पे रोबोट भी बना रहे हैं और इसके साथ साथ हम न केवल दूसरों से ईर्ष्या के कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं या फिर संदेश दे सकते हैं कि हम अमेरिका से पहले भी आगे थे और अब भी हम अमेरिका से आगे थे। महावीर द्वारा बनाए गए जो रोबोट है उसका उद्देश्य यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम कह सकते हैं AI के जरिए किया जा रहा है ये काम, और उसका उपयोग यहाँ पे करके एक वाणिज्य सेवा है, यहाँ कह सकते हैं हम अर्थमेटिकल जो सेवाएं होती हैं उसके लिए रोबोट के रूप में विकसित किया जाएगा और ये इस तरह का ही काम करेगा। ये रोबोट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट तौर पर बनाया जा रहा है जिसके अंदर इंटेलिजेंसी काफी हद तक ज्यादा ध्यान में रखी जाएगी। महावीर पुन ने कहा कि ये 10 इंजीनियर इस रोबोट को वो मीणा रोबोट बना देंगे जो कि कहीं ना कहीं ना केवल टक्कर देगा अमेरिका के रोबोट को बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा करके दिखाएगा। अगर बात करें दोस्तों अमेरिका के यहाँ पे टेक्सस में काम करने वाले जो संदेश पांडे हैं, उन्होंने उनके निर्माण का नेतृत्व कर रहे महावीर ने यहां पे नासा और नेशनल इनोवेशन सेंटर की तुलना किए बिना ही उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन प्रदान करने का भी आग्रह किया गया है। और महावीर पुन ने कहा है कि हमें सिर्फ एक बार आप मोटिवेशन तो दीजिए, हम किसी भी तरह पर काम कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि आप अगर एक लाइन दिखाएंगे या फिर हमें एक राह दिखाएंगे तो हम उस मंजिल तक जाने का हुनर रखते हैं और हमने जो ये वर्क काम शुरू किया है वो कहीं ना कहीं सबसे डिफरेंट होगा, वो आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात उन्होंने कही थी 2019 के अंदर। मैं आपको बता दूं कि आज 2022 चल रहा है लेकिन अभी तक ये रोबोट बनकर तैयार जरूर नहीं हुआ। लेकिन अब बात ये रह जाती है कि जब उन्होंने ये यहाँ पे ट्वीट करा था, क्या उन्होंने फॉलो में किया था या फिर उनके पास पहले से कोई ऐसा प्लान था जिसके जरिए उन्होंने ये किया है। लेकिन प्लान तो था दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने तस्वीरों में वो चीजें बनाती हुई भी नजर आई थी और ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन सक्सेसिवनेस की कोई भी रिपोर्टिंग यहाँ पे आज तक सामने नहीं आई। ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं सामने आई जिसमें ये दिखाया गया हो कि पुन ने ये रोबोट तैयार भी कर लिया है और ये वर्क कर रहा है, ना केवल
मिसाइल यहाँ पे उसकी मुकाबले का जो कि अमेरिका ने बनाया उससे, या फिर हम ऐसे कहें कि उससे भी बेहतर काम कर रहा है। अब ये भगवान जाने कि उन्होंने बनाया होगा लेकिन उसके बाद कोई मीडिया वाला नहीं गया होगा या फिर इतना वायरल नहीं किया गया होगा। अब आपकी क्या राय है, क्या आप यहाँ पे पुन के सेंटर के पास रहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइए कि क्या ये रोबोट बनकर तैयार हो गया या फिर नहीं हुआ। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।